आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपको तत्काल मदद मिलेगी। MP के सागर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। यही वजह है कि दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है। शनिवार को सागर में रिकॉर्ड 610 नए कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। अब कुल मामलों की संख्या 10,216 हो गई है और एक्टिव केस 2,882 हो गए हैं। शनिवार को 9 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है तो 10 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अलग अलग शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल से 27 चिताएं जलाई गईं तो शुक्रवार को 36 अंतिम संस्कार हुए थे। वहीं इसके पहले गुरुवार को 28 और बुधवार को 31 लोगों की चिताएं जलाई गई थीं। पिछले 4 दिनों में 122 लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9, 5, 11 और 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आज 24 अप्रैल 2021 को BMC वायरोलॉजी लैब और अन्य लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 610 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो इसी के साथ एक्टिव केसेस जो हैं 2,882 हो गए हैं सागर में। वहीं एक व्यक्ति को BMC से होम आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा 9 व्यक्ति जो हैं डिस्चार्ज करके घर चले गए हैं। इसके अलावा 9 व्यक्ति और हैं जिनकी मृत्यु की सूचना है। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें। नमस्कार। मुसीबत से अब घबराना नहीं, आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें और अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड बनाएं और साइन अप करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका रजिस्ट्रेशन ऐप में हो जाएगा। इसमें अपने सबसे नजदीकी केयर टेकर या परिजन का मोबाइल नंबर फीड कर एड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बटन प्रेस करें। सारी प्रोसेस के बाद अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम समेत परिजनों के पास पहुंच जाएगी और तत्काल आपको मदद मिलेगी।